अफगानिस्तान में आगे क्या होगा, भारत सरकार की ओर से क्या निर्णय लिया जाता है आगे, इस पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी। अफगानिस्तान के संकट के बाद अब बात देश की सियासत की कर लेते हैं। कांग्रेस की सरकार वाले राज्यों के नेताओं में आपस में ही कलह छिड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ में तो ये विवाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कुर्सी पर संकट लेकर आ गया है। 3 दिन में दूसरी बार भूपेश बघेल ने दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाकर अपने पक्ष में दलील रखी। अब टीएस सिंहदेव भी राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के सीएम पद को लेकर छिड़ी संग्राम पर अब फाइनल फैसले की घड़ी आ चुकी है। प्रदेश की जनता के साथ हम लोग शुरू से हैं, जो सत्ता में नहीं थे तब, और सत्ता में आने के बाद तो आम जनता, किसान, मजदूर, अनुसूचित जाति, जनजाति, व्यापारी, सारे लोग ये महसूस करते हैं ये सरकार हमारी सरकार। दिल्ली से उड़ान भरने से पहले रायपुर एयरपोर्ट पर जब भूपेश बघेल पत्रकारों से रूबरू हुए तो लगा मानो अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हों, क्योंकि यही उपलब्धियां अब भूपेश बघेल के सत्ता में बने रहने का सबसे बड़ा सहारा है। दिल्ली दरबार में जिस तरह से छत्तीसगढ़ के सीएम को बार बार हाजिरी लगानी पड़ रही है, वो भूपेश बघेल के सियासी भविष्य के लिए सही संकेत नहीं है। विरोध का मोर्चा खोले टीएस सिंहदेव खुलकर तो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन दिल्ली के समीकरण उनके पक्ष में नजर आ रहे हैं और इसी वजह से वो आलाकमान के अंतिम फैसले के इंतजार में हैं। सर, भूपेश बघेल साहब आ रहे हैं, क्या कोई मुलाकात आपकी होने वाली? मेरे पास कोई टाइम नहीं है, मिला नहीं है टाइम। बताया जा रहा है नेतृत्व में परिवर्तन होने वाला है और उनको बोला गया नो फीडबैक। हालांकि छत्तीसगढ़ के सीएम की कुर्सी को लेकर छिड़ी खींचतान के बीच भूपेश बघेल भी इतनी आसानी से मैदान छोड़ते नहीं दिख रहे। राहुल गांधी से भूपेश बघेल की मुलाकात के दौरान ही छत्तीसगढ़ के 50 से ज्यादा कांग्रेसी विधायक दिल्ली पहुंचे, वो भी तब जब इन विधायकों को दिल्ली से कोई बुलावा नहीं मिला था। किसी भी विधायक को दिल्ली में AICC के द्वारा, हाईकमांड के द्वारा, किसी के व्यक्ति के द्वारा नहीं बुलाया गया। स्पष्ट कर दूं, किसी भी विधायक को दिल्ली में नहीं बुलाया गया। माना जा रहा है कि विधायकों को दिल्ली बुलाने के पीछे मकसद भूपेश बघेल का शक्ति प्रदर्शन है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसके मुताबिक इस शक्ति प्रदर्शन का ज्यादा फायदा भूपेश बघेल को मिलता नहीं दिख रहा। छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस का बहुमत है वहां पे भी शक्ति प्रदर्शन चल रहा है, और आप देखिए यहां पे बसों में जो लोग भरे हैं वो कोई टूरिस्ट नहीं है, जरूर रायपुर से आए हैं, पर ये छत्तीसगढ़ के विधायक हैं। सारे विधायक अब दिल्ली दस्तक दे रहे हैं, और अभी PL पुनिया साहब से मिले हैं जो कि इंचार्ज है प्रदेश के। आप पीछे देखिए एक और बस है बगल में, तो शक्ति प्रदर्शन इस तरफ से भी। खबर सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के सीएम को बोला है कि वो नेतृत्व में बदलाव में सहयोग करें, क्योंकि ये फॉर्मूला तय हुआ था। ऐसे में अब बघेल खेमे के किसी नेता ने फैसला आलाकमान पर छोड़ दिया है और किसी को कांग्रेस की इस लड़ाई में मोदी शाह की साजिश नजर आ रही है। जो हवा में उड़ रही है सब बातें वो विपक्ष वाले उड़ा रहे हैं, और ऐसे अगर बात है तो हमारे शीर्ष नेता जो बैठे हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ के भविष्य को देखते हुए निर्णय लें। मोदी जी का गुप्त एजेंडा है, अमित शाह जी का गुप्त एजेंडा है कि जहाँ जहाँ मजबूत सरकार है उसको डिस्टर्ब करो। उसी के रणनीति के तहत इस सरकार को डिस्टर्ब करने का कोशिश है। अब दिल्ली में फैसला कुछ भी हो, ये बात तो साफ है कि बहुमत वाली छत्तीसगढ़ सरकार को भी कांग्रेस अंदरूनी कलह से नहीं बचा सकी। अब सीएम की कुर्सी बचती है या नए सीएम को कुर्सी मिलती है, नुकसान कांग्रेस को ही पहुंचेगा। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आनंद पटेल, आज तक।